बैक टू माय चैनल अगेन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं सारा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आई हूं मिस रोज़ की कुछ मेकअप कलेक्शन के साथ जो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर है, ये मिस रोज़ की मैट फेयर फाउंडेशन है, ये मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल है, ठीक है, और ये मिस रोज़ का कंसीलर है, ये मिस रोज़ की मैजिकल आईलाइनर है, और ये मिस रोज़ का कंसीलर स्टिक है। ठीक है, इसको आप बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप कंसीलर स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट भी बहुत बेस्ट है गाइस, आप यकीन मानो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, ये स्टिक कुछ इस तरीके से आती है पैकेजिंग में। अंदर से इसका शेड जो है मेरा जो है वो 06 है आइवरी, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, 06 शेड है मेरा। ठीक है, और ये बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको इसकी भी कवरेज दिखा दूँ, बहुत ही अच्छी कवरेज है। और ये जो है आपकी स्किन को पेची और ड्राई नहीं करती, ये भी आपको जो है ऑयल फ्री जो है वो कवरेज देती है। आपकी बेस जो है इतनी स्मूथ बनती है और ये ब्लेंड भी बहुत मज़े से हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो। ठीक है, बहुत ही मज़े से ये ब्लेंड होता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये कल ही मैंने अपनी भाभी को ट्राई किया था, तो मैंने उनका मेकअप किया तो उनका मेकअप बहुत ही अच्छा, मतलब पूरे दिन तक ये ख़राब नहीं हुआ उनका बेस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। ठीक है, और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिए। और इसका फिक्सर जो है और इसका कंसीलर वो भी बहुत बेस्ट है। इसके कंसीलर की भी कवरेज इतनी प्यारी है, ये जो है इसके फाउंडेशन की कवरेज है। मैंने एक दफ़ा पहले आप लोगों के साथ इसकी फाउंडेशन की वीडियो मैंने शेयर कर दी है, तो उसी दिन मैंने दूसरी ये मिस रोज़ की पूरी मेकअप की कलेक्शन जो है मेरे पास, मैंने उसका वीडियो भी मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी कंसीलर की भी मैं दिखा दूँ, तो आप देख ले। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, ये आपके डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे तरीके से हाइड करता है। ठीक है, आप लोगों को जो है बहुत अच्छी कवरेज देता है। अगर आप इससे हाईलाइट भी कर रहे हो अपने फेस को तो बहुत ही अच्छी हाईलाइटनिंग भी देता है। ठीक है, आप इसकी कवरेज खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और ये जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में है। ठीक है, तो आपके डार्क सर्कल्स जो है वो ईजीली जो है वो छुप सकते हैं इससे। ठीक है, जिन जिन को डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए तो कंसीलर यूज़ करना मस्ट होता है। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी कवरेज, बहुत ही अच्छी कवरेज है इनकी। और मैं तो पर्सनली बहुत ही इन्हें जो है मिस रोज़ के मेकअप को बहुत ही लाइक करती हूँ। अब मैं आपको इसकी आईब्रो पेंसिल भी दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, इससे आईब्रोज़ जो है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, ये ब्राउन एंड शेड में है। आईब्रोज़ पेंसिल अगर आप ख़रीद रहे हो तो वो डार्क ब्राउन शेड में या तो आप लो, या तो फिर आप अगर आपकी आईब्रोज़ थिन है तो आप डार्क ब्राउन शेड में लो। अगर आपकी आईब्रोज़ थिक हैं और ब्लैक इन कलर में है तो आप ब्लैक इन कलर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करो। ठीक है, और ये इसकी मैजिक लाइनर है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये 2-in-1 है। ठीक है, ये आ गई इसकी, इसकी नोक कितनी प्यारी है, ये बिल्कुल इंटेंस ब्लैक है, डार्क ब्लैक जिसे कहते हैं ना वही है ये। और यहाँ से आप जो है, जैसे काफ़ी लोगों को आईलाइनर की टेल बनाने में जो है केट आईलाइनर बनाने में जो है वो मुश्किल आती है, तो उनकी टेल जो है वो सही से नहीं बनती, तो इसमें ये एक स्टेम्प दिया गया है, इससे आप जो है टेल बनाओ। ठीक है, ये देखें, ये टेल बन गई, उसके बाद आप जो है इसको जो है आईलाइनर अप्लाई कर लो। ये बहुत ही इजी है यूज़ करने में। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका मेकअप फिक्सर दिखा दूँ, इसका मेकअप फिक्सर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देर तक आपका जो है मेकअप ये स्टे करता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इस मेकअप को यूज़ करने से आपके फेस पर जो है वो ऑयल भी नहीं आता। ठीक है, मेरी स्किन पर तो ये बहुत ही अच्छे से जाता है, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है,
आप इसको ऐसे लगाकर फिर जो है अपने हाथ से डैप टैप कर लो, या तो फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैप टैप करके आप इसको छोड़ देना, ठीक है, जब तक ये ड्राई हो जाए। उसके बाद आप रेडी टू गो, जहाँ जाना चाहो आप जा सकते हो। आपका मेकअप 10-12 घंटों के लिए कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।